मनसाही को बड़ा तोहफा, डिप्टी सीएम ने दो सड़कों का किया उद्घाटन, आवागमन में मिलेगी राहत। तो आखिरकार लंबे समय से जिस सड़क की समस्या से कटिहार सदर प्रखंड के लोग जूझ रहे थे, उसका समाधान डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कर दिया। दरअसल डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने सदर प्रखंड के हफलागंज एवं मनिया में नवनिर्मित दो सड़क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही इन रास्तों के शुरू होने से बड़े तबके को फायदा मिलेगा। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि पूरे बिहार में मत्स्य पशुपालन एवं गव्य विकास केंद्र एक ही भवन में लाए जाएंगे, ताकि मवेशी पालकों को अलग अलग कार्यालय का चक्कर ना लगाना पड़े। साथ ही मवेशी पालकों के लिए एक कॉल पर मवेशियों के इलाज के लिए डॉक्टर सहित एम्बुलेंस की सुविधाएं घर तक पहुंचाई जाएंगी। फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से मटखुआ यादव टोला तक का सड़क का निर्माण लगभग 1 करोड़ की लागत से हुआ है। राज्योजना सरकार ने इसे नवाज लगातार सड़कों का निर्माण हमारी सरकार कर रही है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में भी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं पर पहुंचा सके। इस दौरान डिप्टी सीएम ने सरकार के दूसरे विकास योजनाओं की भी जानकारी दी। वहीं मौके पर सांसद दुलाल चंद गोस्वामी एवं एमएलसी अशोक अग्रवाल ने भी मोदी नीतीश सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों की गिनती गिनाई और कटिहार जिले को विकसित जिले के रूप में स्थापित करने को लेकर राज्य और केंद्र को धन्यवाद दिया। कटिहार साइड में जो उत्तर साइड में उसका गेट शिफ्टिंग होगा और उत्तर साइड से उत्तर पूर्व में गेट को शिफ्ट करके और जाम से जाम तो होगा, काम हो रहा है तो होगा, लेकिन गेट शिफ्टिंग होगा और काम तेजी से होगा। कुछ बाधा आया था लेकिन उसको हम लोगों ने दूर कर दिया। इस दौरान मौके पर कटिहार सदर प्रखंड के भाजपा अध्यक्ष अजय कुमार दास, राजकुमार शर्मा, सुमन सिंह समेत भारी संख्या में लोग मौजूद थे। वहीं इस नए सड़क के शुरू होने से लोगों की लंबे समय से आवागमन की समस्या का समाधान हो गया। मधुकुमारी, न्यूज़ लाइफ, मनसाही।